हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गालियान मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो बाहर की फूड से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आएँ कि किस प्रकार से यह काम करती है, क्या इसके अंदर टेक्निकल है और कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे प्रयोग में ले सकते हो और इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो बात करते हैं, देखिए जो फूस्ट है इसके अंदर अल्ट्राजिन 50% WP फॉर्म के अंदर मिलता है, यानी जो इसके अंदर टेक्निकल है वो अल्ट्राजिन 50% WP फॉर्म के अंदर होता है। ये खतपुआर नाशक होती है जो गन्ने और मकई के अंदर जो खतपुआर होता है उसको ख़त्म करने का काम करती है। देखिए जो मुख्य रूप से दो ही फसलों के अंदर प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि गन्ना और मकई के अंदर जैसे कि पत्थरचट्टा, लसुआ, सामक, गोकरू, बंसी, क्रेम घास, जंगली चौलाई, जंगली गेहूँ आदि को ख़त्म करने का ये काम करती है। देखिए जो एक एकड़ की डोज होती है इसकी वो एक से लेकर 2 kg आप पर एकड़ के हिसाब से आप इसे प्रयोग में ले सकते हो। मुख्य रूप से आप लगभग 1 acre के अंदर एक से लेकर 1.5 kg इसका प्रयोग किया जाता है। जो कंपनी ब्रांडिंग देती है वो कम देती है, लेकिन इसका 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज़ किया जाती है। और इसी प्रकार गन्ने के अंदर भी 1 से लेकर 3 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ में सनकोर की मात्रा लेते हो तो इसका जो अल्ट्राजिन की मात्रा है वो कम हो सकती है। इसके साथ में लगभग आपको 150 से लेकर 200 ग्राम सनकोर लेना होता है, तब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, वरना अकेली अल्ट्राजिन इतना अच्छा काम नहीं करती है। और इसी प्रकार गन्ने के अंदर भी ये क्रेप घास, कुल्फा, विष कपरा, दूधी, बंसी, सामक, गोकरू आदि को भी ख़त्म करने का ये काम करती है। इसको आप दोनों तरीके से प्रयोग में ले सकते हो। एक तो इसका स्प्रे भी कर सकते हो या फिर इसको खार में मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। और जब आप इसको अपने खेत के अंदर प्रयोग करो तब आपकी खेत के अंदर नमी हो तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देती है। और तो इस बात करते हैं इसके प्राइस की, देखिए जो इसका प्राइस है वो लगभग 250 रुपये आपको इसका MRP देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट के अंदर 200 रुपये के अंदर 500 ग्राम का पैक है वो आपको मिल जाता है, यानी आधे एक किलो का पैक है वो आपको 200 रुपये के लगभग आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।